इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ है कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट की एक मेजबानी जो है वो धर्मशाला को भी एक अवसर प्राप्त हुआ है, और एक नहीं दो नहीं इस बार 5 मैचेस जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई ने जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को दिए हैं, और इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो टूरिज्म को भी मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा, और एक विश्व पटल पर जो मैं कहूँगा एक धर्मशाला का जो स्टेडियम है और धर्मशाला को जो टाउन है कांगड़ा जिला एज अ होल है वो पहुंचेगा। और इसमें जो जितनी भी टीम्स हैं वो आप देख भी रहे हैं, न्यूज़ आपके माध्यम से ही जो है वो लोगों को भी पता लग रहा है कि जो हिमाचली संस्कृति है, हिमाचली कल्चर है, या फिर जितनी भी यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है उसको उसको लेकर जो है वो प्लेयर्स में, इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें ये भी मैं कहूँगा कि ये एक वर्ड ऑफ माउथ भी रहता है, क्योंकि एक मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी जब आम जन तक ये बात पहुंचती है कि ऐसा वहाँ पे प्लेयर्स ने किया या ऐसा प्लेयर्स ने वहाँ पर हिमाचली संस्कृति या जो लोकल जो सराउंडिंग्स हैं उनका जो लुत्फ उठाया, तो कहीं ना कहीं बाकी जो टूरिस्ट हैं वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जो है वो ल्योर होते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैचेस खुद ही नहीं परंतु जितने भी ये टीमों का भ्रमण हो रहा है, जितने भी प्लेयर्स आपस में लोकल पॉपुलेशन के साथ भी घुल मिल रहे हैं, इससे भी काफ़ी बड़ा बूस्ट जो है वो टूरिज्म गतिविधियों को मिलेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना है कि कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल बनाया जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत जो एक अच्छा बल जो है उस सपने को मिलेगा। और अभी 2 मैचेस हो चुके हैं, अभी 3 मैचेस जो है उनका होना शेष है, और जिला प्रशासन की तरफ से यही एक प्रयास रहा है कि जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है या ट्रैफिक की समस्या है, पुलिस प्रशासन जो है वो काफ़ी अच्छा कार्य अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं, और इसमें कोई भी जो प्रशासन सचेत है कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो या कोई भी ऐसा इशू ना अराइज हो जिससे जिससे जो आम जनमानस है उनको इनकन्वीनियंस हो, और जो इन मैचेस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके अंदर भी कोई डेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।